सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुपर पोजिशन थियोरम। इसका कुछ बैकग्राउंड हमने कल डिस्कस कर लिया था, वेयर वी डिस्कस कि दिस थियोरम इज एप्लीकेबल टू सर्किट्स विच आर लीनियर इन नेचर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अप्लाई सुपर पोजिशन थियोरम फॉर सर्किट एनालिसिस। सो वंस अगेन अ क्विक रिकैप, हमने सर्किट एनालिसिस के लिए जो बेसिक तीन मेथड्स पढ़े, दे आर ब्रांच करंट मेथड, मैश करंट मेथड एंड नोडल एनालिसिस, राइट? दे आर द बेसिक फंडामेंटल थ्री मेथड्स। उसके अलावा हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहे हैं विच मेक सर्किट एनालिसिस अ बिट इजियर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था थेवेनिन्स थ्योरम, जहां पे हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज कनेक्शन ऑफ अ वोल्टेज सोर्स एंड अ रेसिस्टेंस। इसी के साथ इंटरट्वाइंड है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जहां पे हमारे पास एक नेटवर्क एंड वी आर सीइंग हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम दैट नेटवर्क बाय प्लेसिंग एन एप्रोप्रिएट लोड अक्रॉस दैट लोड टर्मिनल्स, राइट? तो हमने ये पढ़ा था। नॉर्टन्स थ्योरम हमने देखा है, इट इज द ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में वी आर प्लेसिंग अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेसिस्टेंस। नॉर्टन्स थ्योरम में हमने देखा कि हम एक करंट सोर्स को रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाकर सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस वे में वी सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, राइट? और इन दोनों मेथड्स के लिए हमने देखा था कि इन दोनों थ्योरम्स के लिए हमने देखा था कि अलग अलग मेथड्स जिनसे हम VTH RTH कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द थ्योरम्स। सो दिस इज सुपर पोजिशन थ्योरम। जनरली इसको पहले ही पढ़ा दिया जाता है, लाइक इन द बुक्स ऑल्सो यू विल सी कि सुपर पोजिशन थ्योरम इज डिस्कस्ड बिफोर थेवेनिन्स थ्योरम, बट आई प्रिफर टू डिस्कस इट आफ्टर दीज थ्योरम्स, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि ये ऑल्दो सिंपल है बट थोड़ा सा लेंथी दिखाई देता है। सो यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। इट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू एन एलिमेंट इन अ लीनियर एलिमेंट और इन अ लीनियर सर्किट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। इसका मीनिंग भी मैंने बताया था कि एक बार में एक ही सोर्स विल एक्ट एज एनर्जाइज्ड, बाकी सारे डी एनर्जाइज्ड होंगे, राइट? तो अभी तक हमने ये देखा है कि कितने तरह के सोर्सेज से हम डील करेंगे। वी विल बी डीलिंग विद करंट सोर्सेज आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एंड वोल्टेज सोर्सेज आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो यहाँ पर हमारा फोकस होगा सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को, उन्हीं को हमें डी एनर्जाइज करना है, राइट? सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस मेथड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ सर्किट्स। इसके स्टेप्स जो है वो बहुत सिंपल है, लॉजिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले वी शुड आइडेंटिफाई ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन द सर्किट। ऑल्सो जिस रेसिस्टेंस से हमें वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, वी शुड आइडेंटिफाई दैट रेसिस्टेंस ऑल्सो। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है सो दैट वी डू नॉट डू मिस्टेक इन द लेटर स्टेजेस, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। सेकेंड स्टेप ये कि जो रेसिस्टेंस से हमें करंट या वोल्टेज पूछा गया है, उसका करंट हम एज्यूम कर लें कैपिटल आई इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना? अगर उसको लेफ्ट से राइट ले लें या राइट से लेफ्ट ले लें, एंड वी शुड कीप इन माइंड दैट डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन हम एज्यूम करेंगे, हम उसी को वी विल स्टिक टू दैट डायरेक्शन। ऑल्दो दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी बट इट हेल्प्स यू टू नॉट डू मिस्टेक्स। थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को इस तरह से टर्न ऑफ करना है कि एक ही सोर्स एक्टिव रहे, बाकी सब डीएक्टिवेटेड रहे। सो टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस एक्सेप्ट वन। फिर हमें क्या करना है, जिस रेसिस्टेंस से हमें करंट पूछा गया है, उस रेसिस्टेंस में अब हमें करंट कैलकुलेट करना है, और अब इस करंट को हम कहेंगे आई वन, क्योंकि ये एक ही अकेले सोर्स के कारण ये करंट हमें मिल रहा है, ठीक है? और हम ये भी कोशिश करेंगे, क्योंकि I1 तो एक वेरिएबल होगा जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स एन अननोन विच इज बीइंग कैलकुलेटेड, तो इस अननोन की डायरेक्शन हम वही लेंगे जैसे हमने कैपिटल आई का स्टेप टू में लिया था, एज्यूम किया था, राइट? ये वाला जो स्टेप है ये बार बार हम रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे, उनमें से सिर्फ एक को एक्टिव रखेंगे। तो सारे स्टेप्स कितने, ये स्टेप हम कितने बार रिपीट करेंगे, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उतने बार हम ऐसा करेंगे। इस तरह से हमें बहुत सारे करंट्स मिलेंगे हर इंडिपेंडेंट सोर्स के कारण। जो रेसिस्टेंस हमारा टारगेट है उसमें हमें हर इंडिपेंडेंट सोर्स के कारण एक एक करंट मिलेगा, I1, I2, I3।
तो जो नेट करंट होगा जब सारे सोर्सेस साथ में एक्ट कर रहे होंगे, तो जो नेट करंट होगा दैट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज इंडिविजुअल करंट्स। सो आई विल बी इक्वल टू द सम ऑफ आई वन आई टू आई थ्री एंड सो ऑन। सो दीज आर द फाइव स्टेप्स सर एक विच बार पिछली स्लाइड दिखाना, मैंने एक बार देखना था थ्योरम वाला उससे पहले। राइट। राइट सर। ओके सो दीज आर द फाइव स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, और आई विल टेक सम एग्जाम्पल्स जहां पर हम इन फाइव स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट अस टेक अप दिस क्वेश्चन जहां पर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस। ओके सो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट यूजिंग दिस सुपर पोजिशन थ्योरम। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको एक बार किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे कि वेदर वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। ठीक है। सो हमारा जो टारगेट रेजिस्टेंस है वो कौन सा है? 2 ओम्स है। व्हाट वाज अवर फर्स्ट स्टेप? अवर फर्स्ट स्टेप वाज टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, राइट? सो दिस सर्किट हैज टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड देर इज नो डिपेंडेंट सोर्स हेयर। सो आई हैव टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस सोर्स वन इज अ करंट सोर्स ऑफ 8 एम्पियर्स एंड सोर्स टू इज अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 20 वोल्ट्स। ठीक है। तो हमारे दो अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो वी विल हैव टू केसेस, दो केस बनेंगे, यानी दो करंट्स हम कैलकुलेट करेंगे आई वन और आई टू, और उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिजायर्ड करंट। तो ये जो डिजायर्ड करंट है इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं टॉप टू बॉटम एंड आई एम कॉलिंग इट कैपिटल आई। ओके तो नाउ आई विल स्टिक टू दिस डायरेक्शन, टॉप टू बॉटम को जो डायरेक्शन होगी यही मैं हर सोर्स के कारण लूंगा। आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू इट। तो ये हमारा ओरिजिनल सर्किट हमें दिया गया था और ये करंट मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं जिसको मैं टॉप टू बॉटम एज्यूम कर रहा हूं एंड आई एम कॉलिंग इट एज कैपिटल आई। तो देखो दिस इज द केस वन। हमें क्या करना है? हमें एक बार में एक ही सोर्स को एक्टिव रखना है, बाकी सारों को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है। तो हमारे पास दो सोर्सेस थे 8 एम्पियर और 20 वोल्ट्स। तो यहां पर मैंने क्या किया, 20 वोल्ट को एक्टिव रखा है और 8 एम्पियर को डीएक्टिवेट किया है। डीएक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है, करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय रिप्लेसिंग इट विद एन ओपन सर्किट। ठीक है। एंड एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय रिप्लेसिंग इट विद अ शॉर्ट सर्किट। तो ये करंट सोर्स को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया बाय रिप्लेसिंग इट विद एन ओपन सर्किट, और अब अकेला 20 वोल्ट का सोर्स ही एक्ट कर रहा है इस सर्किट में। जो टारगेट रेसिस्टेंस है वो 2 ओम्स है और इस टारगेट रेसिस्टेंस में जो अब करंट फ्लो होगा उसको मैं एज्यूम करूंगा कैपिटल आई वन, और मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं टॉप टू बॉटम। ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट दिस करंट, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। जो केस टू बनेगा वो ये बनेगा। इस केस में क्या होगा, जो दूसरा सोर्स है दैट विल बी एक्टिव और पहला वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट? सो जो अब एक्टिव सोर्स है दैट इज 8 एम्पियर्स, ये जो 20 वोल्ट का जो सोर्स है उसको मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूं, और उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आई एम रिप्लेसिंग इट विद अ शॉर्ट सर्किट। तो अब इस नेटवर्क को जो एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ एक करंट सोर्स से मिल रही है, और जो हमारा टारगेट रेजिस्टेंस है 2 ओम्स उसमें इस सोर्स के कारण मैं करंट जो एज्यूम कर रहा हूँ आई एम एज्यूमिंग इट टू बी आई टू, एंड अगेन आई एम टेकिंग इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। तो यहां पर भी हम ये वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम ये कहता है कि ये जो नेट करंट है आई, आई करंट आपको कब मिल रहा है, जब ये दोनों सोर्सेस
साथ में एक्ट कर रहे हैं, तो आई विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स ड्यू टू ईच सोर्स, यानी आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। दिस इज वॉट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट। इस वाले सर्किट में अगर ये करंट I1 है, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, आई एम एज्यूमिंग कि हमें अब अच्छे से आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड ऑल। तो ये वाला करंट जो होगा वो इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि ये जो बीच वाली ब्रांच है दैट इज ओपन सर्किटेड, सो करंट कैन नॉट फ्लो इन दिस ब्रांच। तो दिस करंट I1 कैन बी इजिली कैलकुलेटेड हियर एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड द टोटल रेसिस्टेंस विच हैपन्स टू बी 10 ohms हियर। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। सो दिस I1 करंट इज 2 amperes, इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, विच मीन्स दैट जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो भी टॉप टू बॉटम ही है, ठीक है। सेकेंड वाले केस में दिस करंट इज I2, मैं यहाँ पर ब्रांच करंट मेथड यूज कर रहा हूँ टू कैलकुलेट दिस करंट I2। सो आई नो दिस करंट, दिस इज 8 amperes, इट इज कमिंग टू दिस जंक्शन, 8 amperes इज इनकमिंग एंड I2 इज आउट गोइंग, सो द रिमेनिंग करंट शुड बी आउट गोइंग एंड इट्स वैल्यू विल बी 8 - I2। So this current is 8 - I2 and this is I2। तो यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है I2, so we need one equation। हम उन लूप्स को अवॉइड करेंगे जहां पर करंट सोर्स है, so we are left with this loop, right? So I'm writing KVL in this loop L। सर इसको सीधा नहीं लिख सकते 4 एम्पियर दोनों साइड सेम रेजिस्टेंस? हाँ लिख सकते हैं, बट आई डोंट एनकरेज इट, क्योंकि हमें वी शुड स्टिक टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये इस केस में यहाँ पर इंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि बोथ द ब्रांचेस हैव इक्वल रेजिस्टेंस, राइट? यू कैन डू दैट, इट्स ओके, बट आई डू नॉट प्रेफर टू डू इट। सो आई विल राइट द फुल इक्वेशन। सो दिस इज, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट वेयर आई एम मार्क्ड अक्रॉस। सो दिस इज -2I2 -3I2 plus 5, 8 - I2. This equals 0. So this is -5 and -5. This is 10 I2 equals 40. So I2 is 4 amperes. तो अगर 20 volt source अकेला act करेगा तो जो current होगा वो 2 amperes होगा 2 ohm resistance में, और अगर 8 एम्पियर का सोर्स अकेला एक्ट करेगा तो सेम रेसिस्टेंस में जो करंट होगा वो 4 एम्पियर का होगा, है ना, और डायरेक्शन सेम है। सो जो अगर दोनों सोर्सेज मिलके एक्ट करेंगे तो नेट करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज करंट्स एंड इट विल कम आउट टू बी 6 एम्पियर। सो दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम किसी और मेथड से भी कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट? So let us go back to the question जहां पर दोनों sources साथ में act कर रहे हैं। Let us use branch current method to solve it। तो ये वाला current मैंने पहले ही I assume कर लिया था, capital I। This current is known, it is 8 amperes and at this junction is 8 is incoming, 8 amperes is incoming and I is outgoing, so net current should be outgoing in the other branch and the value should be 8 - I। So ek variable hai I, we need just one equation, so we will avoid the loops jahan par current source aata ho, iska matlab hamare paas ye outer loop hoga, let us call it loop L। So I'm writing KVL in loop L, I'm starting from this point jahan par maine cross banaya, so it will be -2I -3I +5 8 - I +20 equals 0. So this is -5I +40 -5I +20 equals 0. So I get 10I equals 60 and I comes out to be 6 amperes. Right? So this answer is verified now. इसको लेकिन और क्लैरिटी के लिए ना मैं एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ जहां पर आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोर्सेस, ठीक है? क्योंकि हाँ जी
Sir, in case 2, say I took I2 in the opposite direction, then while calculating the using the superposition theorem, I would have written I1 minus I2. Right, you should have written I1 minus I2. क्योंकि उनकी डायरेक्शन आपने अपोजिट एज्यूम करी थी. ओके सर, थैंक यू. तो उस केस में क्या होगा, I2 की वैल्यू फिर माइनस फोर आ जाएगी और आपने I1 minus I2 लिखा है तो वो 2 plus 4 ही आएगा. ओके सर, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट. थैंक यू. राइट, यू आर राइट, यू आर राइट. तो केवीएल लगा सकते हैं ना कहां पर, केस 1 में? ऑफ कोर्स केवीएल लगा सकते हैं, ये इक्वेशन केवीएल लगाकर ही आई है, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया सर. यू शुड अप्लाई केवीएल. तो जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक कहां पर करते हैं एग्जाम के टाइम, वो ये भूल जाते हैं कि हमें एक सोर्स को एक्टिव रखना है, बाकी सारे को डीएक्टिवेट करना है. वो उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, एक को डीएक्टिवेट करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी होती है दो सोर्सेज के साथ ही. जनरली वो प्रैक्टिस करते हैं दो सोर्सेज के साथ ही क्वेश्चन, सो दे लूज दैट ग्रिप ऑफ कॉन्सेप्ट. तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हियर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस करंट स्मॉल आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. So here, हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव, ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज, राइट? सो इन दिस सर्किट यू हैव थ्री इंडिपेंडेंट सोर्सेज. हमारा जो सोर्स वन है वो एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, जो सोर्स टू है वो एक 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और जो सोर्स थ्री है वो एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स है. हमारा जो टारगेट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम्स है, जिसके थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है. सो आई विल मेक ऑल द केसेस हियर. ये वाला केस वन है. केस वन में जो 12 वोल्ट का सोर्स है वो एक्टिव है, 24 वोल्ट जो है वो डीएक्टिव होगा, और 3 एम्पियर जो है वो भी डीएक्टिव होगा. तो हमें ये याद रखना है कि एक बार में एक एक्टिव होगा, बाकी सारे डीएक्टिवेटेड होंगे, राइट? तो 24 वोल्ट का जो सोर्स है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ था. क्योंकि वो एक वोल्टेज सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट सर्किट. जो 3 एम्पियर का सोर्स था वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ था, और उसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस इट विद एन ओपन सर्किट. तो वो इस तरह से रहेगा, दिखाई देगा, राइट? इसके बाद हम केस 2 बनाते हैं. यहां पर उससे पहले हम क्या करेंगे, जो करंट हमें कैलकुलेट करना है विच इज थ्रू 3 ओम्स, उसको मैंने टॉप टू बॉटम एज्यूम किया था जब सर्किट में सारे सोर्सेस थे, राइट? अब कितने सोर्सेस हैं, सिर्फ एक सोर्स एक्ट कर रहा है, तो अब इस करंट को मैं कहूंगा I1, ठीक है? सो दिस करंट I1 इज ड्यू टू द 12 वोल्ट सोर्स अलोन. फिर हम सेकंड केस बनाएंगे. सो दिस विल बी केस 2. अब फिर से हमारे पास 3 सोर्सेस थे, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 3 एम्पियर. 12 वोल्ट सोर्स को हम पिछले केस 1 में एक्टिव रख चुके हैं, तो इस बार क्या करेंगे, 12 वोल्ट को हम डीएक्टिवेट कर देंगे. 24 वोल्ट को इस बार हम एक्टिव रख लेते हैं और 3 एम्पियर को अभी डीएक्टिवेट कर देते हैं. सो अगेन वन सोर्स इज एक्टिव. तो ये जो 12 वोल्ट का सोर्स था वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड था, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव रिप्लेस्ड इट विद अ शॉर्ट सर्किट. 24 वोल्ट एक्टिव है, 3 एम्पियर का जो सोर्स था वो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में था, और उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आई हैव रिप्लेस्ड इट विद एन ओपन सर्किट, राइट? तो अब सिर्फ ये 24 वोल्ट का सोर्स एक्ट कर रहा है. जो करंट फ्लो होगा हमारे टारगेट रेजिस्टेंस में, उसको हमने फिर से टॉप टू बॉटम लिया है, और उस करंट को अब हम कह रहे हैं आई टू, ठीक है? लेट अस कम टू द थर्ड केस. थर्ड केस में फिर से हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास 3 सोर्सेस थे, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड 3 एम्पियर्स,
इनमें से अब हम एक को एक्टिव रखेंगे, कौन सा हमारा सोर्स बच गया, 3 एम्पियर बच गया, तो वी विल कीप 3 एम्पियर एज एक्टिव, बाकी दोनों को हम डीएक्टिवेट कर देंगे। तो जो 12 वोल्ट का सोर्स था, इट वाज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। जो 24 वोल्ट का सोर्स था उसको डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, बिकॉज इट इज अ वोल्टेज सोर्स। द सर्किट नाउ लुक्स लाइक दिस। और अब जो हमारा टारगेट रेसिस्टेंस है 3 ओम्स, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस 3 एम्पियर सोर्स, एंड आई विल कॉल दिस करंट एज I3। तो हमें जो करंट कैलकुलेट करना था विच वॉज इक्वल टू I, नाउ दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मैं इन तीनों केसेस में कैलकुलेशंस करूंगा एंड आई विल कैलकुलेट I1, I2, I3, और उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द करंट I, और I कब बन रहा है, जब ऑल द 3 सोर्सेज आर एक्टिंग टुगेदर ऑन दिस नेटवर्क। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन अगेन, दिस वॉज द क्वेश्चन, दीज आर द केसेस। सर इस मेथड का फायदा क्या हुआ? इस मेथड का फायदा ये कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में कर रहे हैं, एक बार में एक ही सोर्स को हम एनर्जाइज करके कर रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि आपको मालूम है कि किस आपको मालूम है एक्चुअली एग्जैक्ट सर्किट क्या है। हम कई बार ऐसी कंडीशंस को एनकाउंटर करेंगे जहां पे हमें एग्जैक्टली सिस्टम पता नहीं होगा, उसका बिहेवियर पता नहीं होगा, तो वहां पर हम इस मेथड को यूज करेंगे। फिर I'll give you one example. तो इसमें एक और भी केस है, अगर जिस रेजिस्टेंस हमने डिटरमाइन करना, अगर वहां पर कोई इंडिपेंडेंट एलिमेंट लगा होगा, फिर तो सिर्फ एक ही केस रह जाएगा कंसीडर करने के लिए, राइट? वैसे क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे। आप लोगों ने मैथ्स में फूरियर एनालिसिस पढ़ लिया है क्या? नो सर। नो सर, अब तो आगे चलें। ठीक है, फूरियर एनालिसिस एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक फूरियर थ्योरम बड़ा एक इंटरेस्टिंग थ्योरम होता है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट कि इफ यू हैव अ वेवफॉर्म लाइक दिस, एनी वेवफॉर्म विच इज पीरियोडिक इन नेचर, देन यू कैन ब्रेक इट डाउन टू अ नंबर ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग एम्पलीट्यूड के, उनको जब आप ऐड करोगे तो आपको एक ऐसी वेवफॉर्म मिलेगी विच इज नॉन साइनसॉइडल इन नेचर बट पीरियोडिक, राइट? उसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ये होता है कि जब आपके पास कोई ऐसी वेवफॉर्म है जो पीरियोडिक है, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो बहुत सारी साइनसॉइडल वेव में। तो अगर ये वाली वेवफॉर्म जो है इसकी टाइम पीरियड टी नॉट है, तो आपको एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऐसी मिलेगी, इसका भी टाइम पीरियड टी नॉट होगा, फिर किसी का 2T0 होगा, किसी का 3T0 होगा, और इस तरह के बहुत सारे में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग साइनसॉइडल वेवफॉर्म में इतने इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं? क्योंकि साइन फंक्शन जो होता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसका एडवांटेज ये है कि अगर आप एक साइन फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो भी आपको एक साइन फंक्शन ही मिलता है। कोसाइन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ साइन, राइट? शेप के टर्म्स में तो आप सिर्फ एक फेज शिफ्ट हुआ और कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर आप एक साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो भी आपको एक साइन फंक्शन का ही दूसरा एक शेप मिलती है। कोसाइन अगेन यू गेट अ कोसाइन। ये बाकी किसी फंक्शन में ऐसा होता नहीं है कि आपको उसको डिफरेंशिएट करने या इंटीग्रेट दोनों में सिमिलर शेप मिल रही है। पीरियोडिक फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए वी आर सो मच इंटरेस्टेड इन साइनसॉइडल शेप्स। अब देखो, अब आपके पास एक ना सिस्टम है ये, और आपको मालूम नहीं है कि इसमें जो इनपुट जाएगा वो कैसा जाएगा। आपको सिर्फ ये पता है कि जो इनपुट होगा वो पीरियोडिक होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसकी शेप क्या होगी। ठीक है, तो
तो आप क्या करते हो, आप इस सिस्टम का एनालिसिस करते हो साइनसोइडल फंक्शन के लिए बस। तो आपको मालूम है कि अगर इनपुट साइनसोइडल है तो आउटपुट भी साइनसोइडल होगा, कुछ चेंजेस होंगे उसमें बस एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। जिस अगर आपने एक साइनसोइडल इनपुट दिया तो आउटपुट भी साइनसोइडल होगा विद एनी चेंज इन फेज और एम्पलीट्यूड, बस और कुछ नहीं होगा। तो मान लो अब आप इस सिस्टम को आपने कोई दूसरे टाइप की वेवफॉर्म दी है जो पीरियोडिक है बट इट इज नॉट साइनसोइडल। मान लो आपने इस सिस्टम को इस तरह की वेवफॉर्म दे दी, तो अब आपके लिए एनालिसिस करना बहुत आसान है। आप क्या करोगे, फूरियर एनालिसिस लगाओगे और इसको बहुत सारी साइनसोइडल वेवफॉर्म्स में तोड़ दोगे, और आपको आपको सिस्टम का बिहेवियर मालूम है कि जब साइनसोइडल वेवफॉर्म इसको मिलती है तो ये कैसा बिहेव करता है, राइट? तो ये सारी साइनसोइडल के लिए सिमिलर बिहेव करेगा, यानी ये मल्टीपल इनपुट्स हैं और ये मल्टीपल आउटपुट्स हैं, और इन मल्टीपल आउटपुट्स को भी अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको लेट अस से इस तरह का कुछ मिलता है इनको ऐड करने के बाद। तो आपको मालूम चल जाएगा कि जब इस तरह का इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको इस तरह का मिल रहा है। तो ये लीनियर सिस्टम्स में सुपरपोजिशन थ्योरम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको अलग अलग तरीकों से हम इंप्लीमेंट करते हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। ये आपको सिर्फ एक एक्सपोजर है कि किसी सिस्टम को कैसे आप एनालाइज कर रहे हो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इसका फायदा क्या है, तो वो डायरेक्ट फायदा सर्किट थ्योरी में हमें ऐसे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन तो हम ज्यादा कर रहे हैं, एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा। बट प्रैक्टिकल सिस्टम्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तो इट एक्चुअली मेक्स इट सिंपलर। ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि थैंक यू सर, एक सोर्स एक्टिव होना चाहिए, ऑल ऑफ द अदर्स शुड बी डीएक्टिवेटेड। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो डोंट स्टिक टू जस्ट प्रॉब्लम्स विद टू सोर्सेस, क्योंकि फिर एग्जाम तक आप ना भूल जाओगे, आपको लगेगा कि एक एक्टिव होता है दूसरा हमेशा डीएक्टिवेट हो जाता है। तो व्हाट वुड यू डू अगर वहां तीन है? तो स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि एक बार में एक को डीएक्टिव करते हैं बाकी सबको एक्टिव रखते हैं, सो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, so let us take up and do you want me to solve this and calculate i1 i2 and i3? No, sir. चलो ठीक है, इसमें what I have done is I have given you solve करके दिखा दो एक बार। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि this current is 2 amperes, let us solve it also। मैंने यहाँ पर ये फिर से ये diagrams बनाए हैं। तो ये हमारा पहला केस था जहां पर हमने वोल्टेज सोर्स 24 वोल्ट को डीएक्टिवेट किया था, यानी कि शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया था। करंट सोर्स 3 एम्पीयर्स को भी हमने डीएक्टिवेट किया था बाय रिप्लेसिंग इट विद एन ओपन सर्किट, और ये जो रिजल्टेंट करंट अकेले 12 वोल्ट के कारण था उसको हमने I1 एज्यूम किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट I1। तो I1 कैलकुलेट करने के लिए आई एम यूजिंग ब्रांच करंट मेथड, आप इसको कोई भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस वेरिएबल I1 इज नोन, और कहीं पे हमें कोई करंट सोर्स नहीं है तो अभी हमें और कोई सा करंट पता नहीं। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम द अदर करंट्स। मैं एज्यूम कर रहा हूं इस करंट को एज एक्स, राइट? सो एट दिस जंक्शन एक्स इज इनकमिंग एंड I1 इज आउट गोइंग, so this current will be x minus i1 comes to this junction, a part of it should go upwards and a part of it should go downwards, lekin jo downward ja raha hai part usme there is no path to flow, so whole of the current will come here, it will come here and it will come here. Sir, ye wala question to easily resistances in series and parallel se ho jayega। बिल्कुल, लेकिन आप गलती कहां पर करोगे, आप गलती यहां पर करोगे कि उस सीरीज पैरेलल रिडक्शन के चक्कर में हम 3 ओम को भी इंक्लूड कर लेंगे। सर 8 और 4 वाला सीरीज में वो 8 और 4 वाला सीरीज, राइट राइट, वो आप सीरीज पैरेलल से कर सकते। चलो ऐसे कर लेते हैं अपन। सो दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस, दिस 8 एंड 4 आर इन सीरीज, सो दैट विल दैट गिव्स यू 12 ओम्स। Circuit looks like this. Generally, I don't prefer to use network reduction because you make a lot of mistakes.
Now 12 and 4 they are in parallel, so the equivalent resistance will be 12 into 4 by 12 plus 4 ohms. So this gives you 3 ohms. So this is 3 ohms and this is 3 ohms, and we are interested to calculate this current I1. So same current is 3 ohms. Again they are in series, but main yahan par network reduction show nahi kar raha hu, क्योंकि जो कर जो रेसिस्टेंस हमारे इंटरेस्ट का है वो भी उसी में अंदर चला जाएगा नेटवर्क रिडक्शन. सो आई वन कम्स आउट टू बी 12 बाय 6, दिस इज इन एम्पियर्स, सो इट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर्स. राइट, नाउ लेट अस गो टू केस 2. केस 2 में हमने क्या किया, ये यहां पर जो 12 वोल्ट का सोर्स था उसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, वोल्टेज सोर्स है इसलिए शॉर्ट सर्किट करा. 3 एम्पियर जो था उसको हमने डीएक्टिवेट किया बाय रिप्लेसिंग इट विद एन ओपन सर्किट, और इस करंट को हमने एज्यूम किया आई टू. राइट, नाउ अगेन यू यूज ब्रांच करंट मेथड. तो लेट अस टेक सम वेरिएबल्स हियर. मैं इस करंट को एक्स एज्यूम कर लेता हूं. So this X cannot go here क्योंकि open circuited है, so it will be X here, and this current will be X minus I2, and this was X, right? So this current is I2. हमारे पास दो variables हैं X और I2, and we are interested to calculate I2, so we will use two loops, L1 and L2. I am writing KVL for both. So this is plus 24 plus 8x plus 4x plus 4x minus I2 equals 0. So इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. So from here I get x in terms of I2. I get 4x is equal to I2 minus 6. Check करना अगर कहीं कुछ गलत होता. Now I'm applying KVL for loop 2, the equation will be minus 4x minus I2 plus 3I2, and this equals 0. So from here I get 4x equals 7I2. Check karna kahin galat to nahi. So from these two equations I get I2 minus 6 equals 7I2. So here I get 6i2 is equal to minus 6, and I2 comes out to be minus 1 amperes. ठीक है, तो I2 की हमने direction वही रखी थी top to bottom, and it is coming out to be negative. Third case में 24 volt को हमने deactivate किया by replacing it with a short circuit. 12 volt को हमने deactivate किया again replacing it with a short circuit. 3 ampere is now energized. और इस करंट को हमने कहा I3. अगेन आई एम यूजिंग ब्रांच करंट मेथड, सो दिस इज 3 एम्पियर्स, एंड लेट अस अज्यूम दिस करंट टू बी Y, सो दिस विल बी 3 माइनस Y, एंड दिस करंट विल बी 3 माइनस Y माइनस I3, एंड दिस करंट, सो दिस इज इनकमिंग, दिस करंट विल बी 3 माइनस I3. राइट, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स इज करेक्ट हियर. और अब हमारे पास यहां पर भी दो वेरिएबल्स हैं. आई विल क्विकली सॉल्व इट. सो आई एम टेकिंग दिस एज लूप L1 क्लॉकवाइज, लूप L2 क्लॉकवाइज. सो फॉर L1 आई एम राइटिंग द इक्वेशन माइनस 4 3 माइनस y माइनस I3 माइनस 4 3 माइनस y and plus 8y equals 0. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चेक करते चलना. सो यहां से आई गेट y इन टर्म्स ऑफ I3, सो दिस इज 4y equals 6 minus I3. फॉर लूप L2 minus 4 3 minus
y minus i3 plus 3i3, this equals 0. So from here I get 4y minus 12 plus 4i3 plus 3i3 equals 0. So from here I get 4y equals 12 minus 7i3. So 1 and 2 they imply 6 minus i3 equals 12 minus 7i3. So I get 6i3 equals 6 and i3 comes out to be 1 ampere. हम लोग क्विकली कंक्लूड करते हैं बिकॉज नेक्स्ट क्लास इज टू स्टार्ट. सो देखो टोटल जो करंट हमें मिल रहा है यहां पर I दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ थ्री करंट्स I1 I2 एंड I3 और हमने सबको सेम डायरेक्शन में लिया था इसलिए आई एम टेकिंग दिस साइंस एज पॉजिटिव. सो I1 केम आउट टू बी 2 एम्पियर्स, I2 केम आउट टू बी माइनस 1 एम्पियर एंड I3 केम आउट टू बी 1 एम्पियर्स, राइट. सो द नेट करंट इज 2 amperes. ठीक है. So in the next class we will take up a problem with the dependent sources also. This class is still 10:30, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we still have 5 minutes. इसमें कोई doubt किसी को? सर आपने जो case 2 solve किया था वो दिखा दो एक बार. Yeah, this was case 2. Yes, sir. So please upload this and previous lectures. Yeah, I'll do that. I'll do that. ठीक है. So in the next, I'll share these slides with you. इसमें एक question मैंने लिया हुआ है, which has dependent sources also. Please try to solve that problem also. Okay. सर एक आपने पता नहीं कुछ थ्योरी से समझाई थी, क्या था वो दोबारा समझा दो. Which one? Yesterday? नहीं सर अभी थोड़ी देर पहले, using graph. कुछ आपने ये वाला? Yes sir, this one. I was just explaining कि the importance of superposition theorem in different types of systems. ये control systems में हम पढ़ते हैं कि जब आपने कोई system design किया है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसको किस तरह का इनपुट मिलेगा जब वो फील्ड में चला जाएगा वो आपका इक्विपमेंट, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमारा सिस्टम लीनियर है और हमें ये मालूम है कि इनपुट जो है वो पीरियोडिक है, राइट. तो हम क्या करते हैं अपने सिस्टम को एनालाइज करने के लिए हम उसको एक साइनसोइडल इनपुट के लिए एनालाइज करते हैं और फिर किसी भी टाइप का अगर इनपुट हो तो हम इसका रिस्पॉन्स जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग फूरियर थ्योरम. मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा था, इसका डिटेल बहुत ज्यादा आपको अभी समझने की जरूरत नहीं, आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे फूरियर थ्योरम. तो बेसिकली उसका जो फूरियर थ्योरम पढ़ने के बाद जब आप अप्लाई करोगे तो वो एक सुपर पोजिशन का एक फॉर्म होगा वहां पर. मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा था. ओके थैंक यू सर. ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे. आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.